अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू बाइक लॉट के पीके। आज मैं आया हूँ रावलपिंडी एक बार फिर से। एक बाइक देखा है, ऑलमोस्ट परचेज ही कर लिया, बस वो लेने आया हूँ। तो आज उस पर व्लॉग बनाते हैं, देखते हैं वो बाइक किस कंडीशन में है और किस हिसाब से मुझे मिल रहा है, तो फिर मैं उसका भी रिव्यू शेयर करूँगा। मैं कोई काम करने जाऊँ और मेरे साथ प्रैंक हो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो अभी भी कुछ ऐसा ही प्रैंक हुआ है। वैगन वाले को मैंने बोला था कि यार सेकंड जो स्टेशन आएगा मुझे वहाँ पे मेट्रो के पास उतार देना, लेकिन उसने मुझे G13 के बाहर फर्स्ट मेट्रो स्टेशन पे उतार दिया। और दोस्त मेरा जो है वो मेरा वेट कर रहा है सेकंड स्टेशन के पास। और मसला ये भी है कि यू टर्न बहुत दूर है, तो उसने मुझे ये कहा कि यार चल के थोड़ा सा आगे तक आ जाओ। ये पैदल मार्च कर रहा हूँ काफ़ी देर से, आगे बस करीब पहुँच गया हूँ। यहीं पे मेरा तेल तो निकल चुका है, अब आगे जाके देखते हैं क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है। ये मेरा बाइक पहुंचा है जी मेरे पास खुद ही। वकार भाई कैसे हैं आप? वाओ नाइस हैवी बाइक ब्रो। भाई कितने का ली है? अच्छा तो इधर मैं अभी G13 आ गया हूँ। दोस्त ही है मेरा, दोस्त का कजन है, भाई ही है एक तरह से, उनके पास थोड़ा रुके हैं। तो बाइक की ज़रा पोजीशन देखते हैं। अब ये बाइक लिया है, रोड प्रिंस वेगो 150 इसको कहते हैं। बाइक सिर्फ साफ़ नहीं है, धुला हुआ नहीं है, लेकिन बाकी ओवरऑल जो है मुझे बाइक देख के अच्छा लगा है, अच्छी कंडीशन में है। बाकी की अच्छी कंडीशन में खुद इसकी बना लूँगा, आपको पता है जब मेरा हाथ लगता है तो क्या हिसाब किताब होता है। अभी बेचारा मेरे ख्याल से सालों से कभी कंपाउंड भी नहीं हुआ और सिर्फ चलता ही रहा है, इसके पेंट की ऐसी कंडीशन हुई है। लेकिन चलें, ओवरऑल ये कि बाइक चला के मैंने देखा है मुझे पसंद आया, इसका कंप्लीट रिव्यू मैं शेयर करूंगा और ये भी बताऊंगा कि मुझे ये स्पेसिफिक मॉडल क्यों इतना पसंद है 150 कैटेगरी में। तो अभी हम लोग चलेंगे, एक दो बाइक्स और भी देखने हैं इधर गोलड़ा मोड़ में और आगे पिंडी वाली साइड, तो उनकी भी साथ साथ अपडेट देता हूँ। एक यामाहा R3 का रेप्लिका है वो देखना है, और एक और वेगो ही है वो भी देखूँगा, तो उसकी भी अपडेट आपको देता हूँ इंशाल्लाह। बाइक्स के लिए पहले मुझे जाना होगा इस्लामाबाद से चकशेजाद रावलपिंडी, जो कि ज़रा दूर है। तो मैंने दोस्तों को ये बोला कि मैंने कहा काफ़ी टाइम हुआ है पिंडी का सेवर नहीं खाया, मशहूर इस्लामाबाद का, तो पहले हम लोग वहाँ जा रहे हैं, खाना शाना खाएंगे फ्रेश होके, इंशाल्लाह फिर आगे बाइक देखने जाएंगे। तो हम यहाँ के मशहूर सेवर पर आ चुके और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, इनका काम बहुत अच्छा है और सेवर भी वाकई बहुत अच्छा है, बहुत लजीज है। वही पुरानी फीलिंग दी है इसने, वही मज़ा दिया है, तो टोटली तरोताज़ा कर दिया है इसने। तो खाना शाना खाने के बाद अब वक्त तो होता है कि अपने बाइक से ढूंढूं, क्योंकि मैं फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं, तो चलें चलते हैं बाइक से। तो अभी फाइनली दिन गुजार के अपना सेवर खा के इतने दिनों बाद रावलपिंडी का चक्कर लगाया मेरा, मैंने कहा सेवर तो ज़रूर ट्राई करना है। अभी वेट कर रहे हैं थोड़ा, दोस्त का एक और बाइक देखने जाना है, उसने थोड़ा टाइम दिया है 10-15 मिनट का, तब तक यहाँ पे रिफ्रेशमेंट कर रहे हैं, चाय शेक करके फिर इंशाल्लाह वो बाइक भी दिखाता हूँ, उधर भी चलना है। तब तक मैं एक बार फिर से अपनी खूबसूरत मशीन आपको दिखा, ये बाइक मैं ला चुका हूँ अभी, इसको यहाँ पर थोड़ा टेस्ट शेस्ट करना है, फ्री टाइम में निकलूँगा। अभी ऑलरेडी बहुत थक गए हैं, सुबह से निकले हुए हैं, कुछ काम शाम देख रहा हूँ मैं। इसकी बॉडी जो है ना कंपाउंड पॉलिश होने लायक है, ये जब से उस बंदे ने मेरे हिसाब से रखा है ना, उसने चलाया ये कभी साफ़ भी नहीं किया, जो हालात है ना इसके ये सारी साफ सफाई होंगी। ये मैं बिफोर और आफ्टर आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा, उसके बाद आपको इसकी कंडीशन की समझ आएगी। मेरे मुताबिक अभी ये बाइक बहुत बहुत मतलब 50% है, इसको 100% पर लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो अगला बाइक भी देख लेना, फिर आगे का सोचते हैं क्या करना है। पबजी दे रूम दी महफिल लगी दी है। तो फाइनली इन लोगों का मैच खत्म हुआ है पबजी का रूम का, तो अभी हम लोग रात को नाइट राइड पे निकले हैं। तो प्लान यह है कि अभी सारा इस्लामाबाद ही घूमेंगे हर तरफ और एंड पे डिनर भी किसी अच्छी जगह करेंगे। तो फाइनली R3 भी हम देख आए हैं, पर वो उसका व्लॉग में बनाना भूल गया था। अभी हम लोग बेसिकली घर आए हैं, तो वकार भाई और जमाल भाई ने बोला कि जो मेरा एग्जिस्टिंग बाइक है उसकी एक वीडियो बना लें, और ये उसका टेस्ट कर रहे हैं।
क्यों जी भाई? तो बस बाइक की राइड वगैरह करने के बाद प्लान ये बना के एफ्टन मरकज जाएं, वहाँ पे कुछ खाने पीने के लिए हल्का फुल्का देखें, क्योंकि अभी रात के 8:30 बज रहे हैं, तो थोड़ा यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद शायद शॉपिंग के लिए भी निकलें, उसके बाद रात को कहीं डिनर करें। अच्छा, तो अब हम एफ्टन मरकज में आ चुके हैं, यहाँ पे अब हमें फूड पे डिसाइड नहीं हो रहा कि आज रात खाना क्या है। तो पहले सीरियन का प्लेटर का मूड था, लेकिन अब आगे घूमते जा रहे हैं, देखते हैं किस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। काबुल इस्लामाबाद भी है यार, काबुल एक आप हमारे पास ऑप्शन आ गया, साथ साथ देख रहे हैं कि फाइनलाइज कौन सा होता है। अच्छा, कुकड़ू भी है, बिल्कुल इसका भी हमारे पास एक ऑप्शन है। देखिए हमारे खाने की चीज नहीं है कुकड़ू। वकार भाई को आउटफिटर पे कुछ पसंद नहीं आ रहा, अपना और मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं कीमती वक्त। हम लोग छोटी मोटी शॉपिंग के लिए आए, कार साहब कुछ पसंद कर लेना, हमारे और भी बहुत जरूरी काम है। अच्छा, एफ्टन मरकज में तो हमें कुछ भी पसंद नहीं आया, इन लोगों से डिसाइड ही नहीं हो पाया, तो अभी हम एफ्टन टू आ चुके हैं जी, और यहाँ पे बैम बैम रेस्टोरेंट है, यहाँ पे डिसाइड हुआ है जी, अभी यहाँ पे बैठ के खाना खाएंगे। ये हम किसी पब में जा रहे हैं किसी क्लब वगैरह में जा रहे हैं। ओके, शीशा कैफे जा रहे हो आप लोग? I'm not a shisha guy. Okay. Nice. अच्छा, अभी हम रूफ टॉप पे, आज डिनर का प्लान है और माहौल भी अच्छा है, अपनी मर्जी का। चलें सीटिंग करते हैं, कुछ देखते हैं क्या ऑर्डर करेंगे। अच्छा, तो हम तीनों का माइंड मिल नहीं रहा था, हम लोग वहाँ पे मुख्तलिफ स्पॉट्स पे बहस करते करते G10 से अभी G9 आ गए हैं, और अभी यहाँ पे F10 से हाँ बल्कि हाँ घूम घूम के, और अभी हम लोग जिस स्पॉट पे हैं इसका नाम है टोबा हॉट एंड कोल्ड स्पॉट सूप, और ये इनका फेमस सूप है, काफ़ी इनके पास रश भी है और सारे यहाँ पे बड़ा पसंद करते हैं, आज में भी यही ट्राई करना है। तो अभी यहाँ पे सूप पियेंगे, फिर उसके बाद इरादा यही है कि कहीं पे फास्ट फूड ये भी ट्राई करेंगे। चले आगे भी देखते हैं। फाइनली हमें रात को मिला, और प्लान कल दिन का था, इन लोगों ने कोशिश की है कि मुझे आज रात को ही ना यहीं पे बस एक चक्कर लगवा के और बस गुड बाय बुलवा दे, कफायत शहरी हो रही है यहाँ पे। मैं यही तो देखना चाह रहा था, रात का जो व्यू होता है ना, बिल्कुल वो देखे ना कितनी ग्लो है दूर से, बिल्कुल ये वीडियो में बिल्कुल क्लियर आ रहा है एकदम, सिर्फ चार लाइट है। डू यू वांट टू गो इनसाइड? जो व्यू है, फ्लैश ऑन करें जरा, फ्लैश गाड़ी का शीशा चमकेगा, नीचे कर दे मैं करके देखता हूँ, ये फैशन मशीन की रोशनी आप भी देखें, आप देखें, हाँ फ्लैश बाकी वो बाकी शाइन कर रहा है फ्लैश, हाँ फ्लैश वहां तक पहुंच रही है। मेरे पास दो कमेंटेटर रेडी है, बहुत ज्यादा जी, बहुत ज्यादा आवाम पागल हो गई है। अच्छा जी, सूप वगैरह के बाद अभी हम लोग आए हैं जिना सुपर F7 में, जिना सुपरमार्केट, और अभी हम जा रहे हैं बर्न आउट कैफे में, तारीफें सुनिए इसकी, देखते हैं इसमें ऐसा क्या खास है। 1, 2, 3, गो, लेट्स गो। अच्छा, तो ये हम बर्न आउट कैफे आ चुके हैं, इसका एनवायरनमेंट आप चेक करें जरा, सारा गाड़ियां और रेम टायर और सीट्स के साथ बना हुआ है, यहाँ पे सारा एनवायरनमेंट जो है गाड़ियों का और उसी से रिलेटेड थीम इन्होंने दी हुई है, सोफा और काउच तक जो है ना गाड़ियों के टायर और इस तरह बने हुए हैं, हर मेजर कंपनी को यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, लंबरगिनी ऑडी, बड़ा क्लासिक एनवायरनमेंट है। तो फाइनली घूमने के बाद जमाल भाई, हम कहाँ पे आ गए? हम लोग F7 में आ चुके हैं। नहीं, ये कैफे का स्पेसिफिकली क्या नाम है? कॉफी नेट पे आ चुके हैं, मेन्यू नहीं डिसाइड हो रहा, ये मुझे भी चक्कर लगवा रहे हैं, अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही हम लोगों ने करना क्या है, तो अभी फिर मेरे ख्याल से आखिर में चीज़ ऐसी जाके रुकेंगे और तो कोई ठिकाना नहीं है, अभी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप अभी क्या होता है हमारा। तो फाइनली अभी रात के 2 बज रहे हैं, हम लोग घूम फिर के फाइनली आके बैठे हैं, तो दोस्तों ने बताया यहाँ पे चीजियस का पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, तो अभी रात को हमारी पिज़्ज़ा पार्टी चलेगी, और फाइनली अब हम सुकून से खा पी के और अब शायद सोने का इरादा बन जाए,
तो आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप अगला व्लॉग भी ज़रूर देखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।